यही वाले अगर आपको कहे गाना गाने के लिए उनकी पार्टी के लिए, तो क्या आप उनके लिए भी गाना गाओगे? कि मुझे मेरे गाने की उचित नहीं दी गई पीटीआई की तरफ से। ये नून लीग की वाहि जमात है जिसने मुझे एक गाने से फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, मुझे रिनोन भी करवाया है। मरियम नवाज से मुलाकात हुई है आपकी? मेरे एक गाने के ऊपर वो बहुत खुश है, नियाज़ी झूठा, जिसपे वो मुझे कहते हैं एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। पीएमएलएन के लिए ही गाने रिलीज करूंगा क्योंकि पीटीआई की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट कोई नहीं है। इन दोनों जमातों में से कौन सी जमात आपको बतौर गुलूकार अच्छी लगी? अस्सलाम वालेकुम। आज नून लीग यौमे तशक्कुर मना रही है और ये जो नगमे आप लोग सुन रहे हैं इसका ट्रेंड शायद अब ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन नून लीग में सबसे पहला गाना जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस नौजवान गुलूकार ने दिया था, फरहान NTF, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो बहुत बाद में गाने रिलीज़ किए, सबसे पहले फरहान ने गाना रिलीज़ किया और मुझे याद है गालिबा 2008 के बाद रिलीज़ किया था 2012 में। तो फरहान से जानते हैं कि नून लीग को उन्होंने ये गाना दिया था, उसके बाद क्या इनको जो ऑपोजिट पार्टीज़ हैं या ऑपोजिट कारकुन हैं ऑपोजिशन के, यानी कि तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से भी कोई डिमांड आती है कि हमारे लिए गाने गाएं? फरहान से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह फरहान, आपसे हम काफ़ी अरसे से मुलाकात करते रहते थे लेकिन हमें नहीं पता था कि मोरा लाओ गाना जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो आपने गाया है, तो ये ख्याल आपको कब कहाँ से आया कि मुझे नून लीग को ये गाना डेडिकेट करना है? ये हम 2012 में अताउल साहब खेलवी साहब के स्टूडियो में बैठे थे, वहाँ पर ये PMLN का एक प्रोजेक्ट आया था जो कि हमें मिला और उन्होंने हमें ये कहा कि हम कुछ ट्रैक्स करवाना चाहते हैं तराने के तौर पे, और लेकिन वो ऐसा ट्रैक हो हमें चाहिए कि जिससे दुनिया झूम उठे। तो मैं बैठा हुआ था, फिर मेरे साथ भी जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नदीम, जिन्होंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा गाना बनाते हैं जो जिसमें कल्चरल टच हो। तो फिर हमने उस वक्त के हिसाब से फिर कल्चरल टच दे के हमने मियां दे नारे बनाया। नहीं, ये गाना बनाने के लिए ताउला साहब को कहा गया था पहले? नहीं नहीं, उनका स्टूडियो क्योंकि हम यूज़ करते थे उस वक्त, फाइनेंशियली इतनी अच्छी हमारे पास सपोर्ट नहीं थी, तो हम वो फिर स्टूडियो जो थे वो रेंट पे यूज़ करते थे। अच्छा, अताउल्ला साहब का आपने बात की, अताउल्ला खान ईसा केलवी साहब पहले गुलूकार हैं जिन्होंने PTI को गाना दिया और वो गाना अब तक का लोग बड़ा सुनते हैं, और आप नून लीग के वो पहले सिंगर हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को एक गाना डेडिकेट किया, दोनों के गाने काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं, ये बताएं नून लीग की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिली या उसके बाद शाबाशी मिली? नून लीग से मुझे बहुत सपोर्ट मिली है और ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे यहाँ से फेम भी मिला, नाम भी मिला। वो एक लहदा बात है कि मैं ज़रा स्क्रीन से दूर था क्योंकि मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ सॉन्ग, ज़्यादातर मैं गाने बनाता हूँ, तो पाकिस्तान के सारे सिंगर्स अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सर्च करेंगे तो मेरे गाने गा चुके हैं जिसमें राहत। यही वाले अगर आपको कहे गाना गाने के लिए उनकी पार्टी के लिए, तो क्या आप उनके लिए भी गाना गाओगे? बिल्कुल गाऊंगा, अभी उनके लिए गाना गाया भी है, जाग उठो मेरा ही गाना है जो कि अलीम खान साहब की फरमाइश पे उस वक्त स्पेशल मुझसे गवाया गया था और वो मैंने गाया था और वो गाना बड़ा हिट हुआ था। वो एक अलग बात है कि फाइनेंशियली तौर पर उस गाने को सपोर्ट नहीं किया गया जिस वजह से मैं दिल बर्दाश्त होकर साइड पर हो गया। नहीं, दिल बर्दाश्त होकर साइड पर नून लीग में आ गए या आप न्यूट्रल सिंगर हैं? मैं एक न्यूट्रल सिंगर हूँ और मैंने और भी पार्टीज के लिए गाने गाए हैं, जैसे नारा नून लीग का हो गया, मियां दे नारे बजने हो गया, वो कायदे है नवाज, इसी तरह मैंने PTI का भी उसी तसलसल से गाना गाया। उस वक्त उस स्टूडियो में गाना बन रहा था अताउल्ला खेलवी साहब का बनेगा नया पाकिस्तान, जिस वक्त ये मैंने गाना बनाया और मेरा गाना उन्हीं के साथ, एक तरफ सोनू जी वो गाना बना रहे थे, एक तरफ साहिर अली बग्गा बना रहे थे, दोनों भाई हैं, एक ही स्टूडियो में से ये दोनों गाने निकले हैं। और उसके बाद फिर मुझे इन्होंने रायमंड पे जब इनका एहतजाज हुआ है तब भी बुलाया, लेकिन मुझे मेरे गाने की उचित नहीं दी गई PTI की तरफ से, जिस वजह से मैं दिल बर्दाशा होकर फिर उनसे साइड पे हो गया। लेकिन ये नून लीग की वाहि जमात है जिसने मुझे एक गाने से फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, मुझे रिनोन भी करवाया है और मुझे वो इसी तरह के आगे काम भी देते रहते हैं। मरियम नवाज से मुलाकात हुई है आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। तो क्या कहा उन्होंने आपसे जब वो गाना सुनती हैं और क्या कहती हैं आगे से आपको? मियां दे नारे बजने पे तो वो हमेशा एक ही बात करती होती हैं, शाबाश फरहान शाबाश, लेकिन मेरे एक गाने के ऊपर वो बहुत खुश हैं, नियाज़ी झूठा, जिसपे वो मुझे कहती हैं एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, उनका ट्वीट भी मौजूद है इस वक्त। अच्छा, यही वाला। अच्छा, शबाशी से भी मुलाकात हुई है आपकी, अब तो उनकी हुकूमत है, तो कोई और गाना भी आगे जनरल इलेक्शन आने वाले हैं, कोई और गाने भी रिलीज कर रहे हो आप? नून लीग के लिए करोगे या PTI के लिए भी करोगे? नहीं, अभी मैं तो फिलहाल PMLN के लिए ही गाने रिलीज करूंगा क्योंकि PTI की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट कोई नहीं है। अच्छा। इसलिए मैं उनसे दूर हूँ कि हम लोग जो है वो रोजी रोटी से कमाते हैं
और अपने आप को डेडिकेट भी करते हैं, लेकिन जब हमारी जो लगी अमाउंट हमें वापस नहीं मिलेगी तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे। क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, राइटर हूँ, म्यूजिशियन भी हूँ, मेरे साथ एक टीम है, मुझे स्टूडियो में चलाने के लिए आर्ट वर्करों को पैसे भी देना पड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप एक सिंगर हो, आपने बताया मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, सॉन्ग राइटर भी हूँ, आपने पीटीआई के साथ भी किया काम और नून लीग के साथ भी किया काम, इन दोनों जमातों में से कौन सी जमात आपको बतौर गुलूकार अच्छी लगी? PMLN, क्योंकि वो गाने को समझते हैं और इंजॉय भी करते हैं, गाने के साथ रिदम को भी समझते हैं और वो म्यूजिक को मोहब्बत करने वाले लोग हैं। फरहान बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे फरहान NTF, जिन्होंने गाने जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए रिलीज़ किए, और उनका ये कहना है कि अगर मुझे मुआवजा दिया जाए तो वो तहरीक इंसाफ के लिए भी गाने गाने को तैयार हैं। इस वीडियो से मुतल्लिक आप कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।